हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो क्विक एनर्जी अपडेट होगा, यानी कि आपके पार्टनर की थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को हम चेक करेंगे क्विकली। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ, और आपको ऐसी वीडियो देखनी है नेक्स्ट, यानी कि हर रोज देखना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स और थॉट्स में क्या चल रहा है। ओके, ये बस बताइए, आप मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनके पार्टनर, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके, मेरे पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए। ओके गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। ओके, तो जितना हो उतना लीजिएगा। यस बताएं, क्या थॉट्स, फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर की। ओके, वी हैव टेंपरेंस, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वन मोर कार्ड ले लेंगे, थ्री ऑफ कप्स। वाओ गाइस, एक्शन भी हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं। न्यूज बताएं, टू डेज में एक्शन क्या होंगे, एक्शन क्या होंगे। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एक्शन क्या होंगे। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं, हम सारे ही ले लेंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे हैं बट गाइस, ओके ओके गाइस, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, द वर्ल्ड है। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स है, फाइव ऑफ कप्स है, एंड टेन ऑफ कप्स है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे जो स्ट्रांगली साइंस आ रही आ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। टेम्परेंस यानी सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, द वर्ल्ड में सारे साइंस आ जाते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पे सारी साइंस की रीडिंग हो रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी। ओके, तो सारी साइंस की रीडिंग हो रही है और हमारे पास सारे साइंस आ चुके हैं। तो गाइज, यहाँ पे उनकी फीलिंग्स क्या हैं, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में मुझे वो एक टेम्परेंस चाहते हैं, यानी कि बराबरी चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं। जैसा आपने दिया उनको बराबर आपको हील करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं, ताकि सिचुएशन बिल्कुल हील हो सके। टेम्परेंस का कार्ड स्टार्टिंग में आया, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के बारे में वो लॉन्ग टर्म तक की बात सोच रहे हैं, यानी कि आपसे वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, और ये कार्ड ये कहता है कि आपसे बैलेंस करना चाहते हैं। सिचुएशन जो भी हो हम नहीं जानते, बट यहाँ पे वो रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आपसे उनकी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, ये जो पर्सन है आपको एक सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं, अपना कोई कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ का मानते हैं। ये सोचते हैं कि आपकी डेस्टिनी में, यानी कि इनकी डेस्टिनी में आपका कोई पार्ट है जो लिखा हुआ है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपसे, बिल्कुल एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये कोई डिवाइन टाइम करे। ठीक है, डिवाइन की मर्जी से हो, ठीक है, यहाँ की, यानी कि कोई यूनिवर्स ऐसा कुछ करे कि आपसे एक नई शुरुआत हो जाए। ये बिल्कुल रेडी है आपसे एक स्टेबिलिटी देने के लिए, रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन आपसे नई शुरुआत का ये इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कोई राइट टाइम का वेट करें, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये कार्ड बताता है कि आपसे भर भर के ये प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं उस प्यार का इजहार करना चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि इनकी जो फीलिंग्स है वो आपके प्रति बहुत ट्रू है। अब इनके एक्शन देखिए, टू डेज में तो बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं, क्या क्या एक्शन हो सकते हैं वो मैं बता सकती हूँ। अलग अलग तरीके के एक्शन हैं, कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक होगा कुछ देख के। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्शन इनके ऐसे होंगे जिससे बहुत परेशान होंगे। आपके पार्टनर के एक्शन देखते हैं तो इनका कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में है, तो उनकी वजह से इनका दिल टूटेगा। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बहुत याद करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको स्टॉक करेंगे, आपके बारे में पूरी पूरी जानकारी रखने की कोशिश करेंगे। विद इन टू डेज ये अपना एक साइकिल खत्म करने वाले हैं, आपसे जो इनका मनमुटाव है या कोई रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो गई है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपसे कॉल मैसेज करें, ये ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे आप तो हैं तो बिल्कुल इनका कॉल मैसेज आ सकता है, फिर खुद मिलने आ सकते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये आपसे हील होना चाहते हैं, डेफिनेटली रिलेशनशिप में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि आपसे इनकी मुलाकात हो, आपसे बातचीत होने लगे। ये आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं टू डेज में, लेकिन ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। बिल्कुल ये बहुत सारे काम ऐसे करेंगे जिससे आपको फील होगा कि ये आपके प्रति कुछ एक्शन लेने के मूड में है। मैं नहीं कहती कि यहाँ पे कोई एक्शन का कार्ड नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करेंगे, आपको मिस करेंगे, और आपके साथ सपने देखेंगे, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। लेकिन कोई एक्शन, एक साइकिल को खत्म करने की कोशिश इनकी
जिंदगी जारी रहेगी, लेकिन इनका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी ने कर दिया होगा, अगर थर्ड पार्टी है तो। अदरवाइज ये आपसे दूर होके बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखेगा, किसी ने धोखा दिया ऐसा इनको फील होगा, लेकिन ये एक्शन कुछ भी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है और फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये बताते हैं कि ये साइकिल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने के मूड में अभी नहीं लग रहे। ठीक है, इनके कुछ मैसेजेस मैं आपको बता देती हूँ, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स बताएं, ये क्या मैसेज देते हैं अभी देते तो कहना क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने फाइव या सिक्स कार्ड लिए हैं, देखते देखते क्या मैसेज है इनके। ओके, सबसे पहले हैं रोती हूँ याद करके। तो ये जो भी पार्टनर है आपके मेल फीमेल, आपको याद करके डेफिनेटली इनके आंखों में आंसू आते हैं। ओके, आई कैन नॉट बियर योर डिस्टेंस मोर, तो आपसे दूरी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अब और। ठीक है, और इसीलिए इस साइकिल का एंड करना चाहते हैं। जो भी आपने मनमुटाव है, डिसअपॉइंटमेंट है, या फिर किसी ने किसी को कुछ कहा है, तो बिल्कुल ये थॉट्स में इनकी बातें हैं कि आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड मी। तो कहते हैं कि इनकी सिचुएशन जो है उसमें आप अंडरस्टैंड कीजिए। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग दैट यू डिजर्व, आप ये कुछ आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं जिस जो आपके लिए डिजर्वेबल हो। ठीक है, आप जिसके लायक हो, प्लीज स्टे इन माई लाइफ इन एनी सिचुएशन। ये कहते हैं कि जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी या कुछ है, आप इनकी लाइफ में बने रहें। एक्वेरियस प्लस विर्गो, ये आपकी जोड़ी हो सकती है। प्लीज 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 आ जाओ एक बार मेरी जान। तो आपको जान कहते होंगे और आपको इस समय इस वक्त बहुत ज्यादा याद करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये रीडिंग थी आपकी, कुछ भी मैच किया कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज़।